में थे, चाहे सत्ता से बाहर थे, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में खड़ा रहा। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, हरियाणा का किस चरण में चुनाव हो, उसी हिसाब से हमारा कार्यकर्ता आज से ही चुनाव की तैयारी में और चुनाव को कैसे अपने बूथ में जीतना है, कैसे गांव में जीतना है, इस बात पर लगेगा। आज आपने देखा कि बावड़ा गांव के अंदर किस तरह से लोगों में उत्साह था, कितनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्ग थे, नौजवान थे, बच्चे थे, माताएं बहनें थी, ये मान के चलो कि लोगों का सरकार के प्रति एक बड़ा गुस्सा है और लोग 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास कर चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में लोकसभा के 10 के 10 सीटों पे हमारे प्रत्याशी जिता करके भेजेंगे। आज 3 घंटे लेट आने के बाद भी इतने घाव थी, धूप थी, उसके बाद हमारी पार्टी का वोट जो है हमेशा 25% से ऊपर रहा है। इस बार क्योंकि लंबे समय तक हमने लोगों के बीच में रहकर SYL की लड़ाई को लड़ा है और आने वाले समय में फिर SYL का पानी मिले, इसके लिए हमने हांसी के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद हम फिर लोगों के बीच में उनके अधिकारों के लिए जन अधिकार यात्रा शुरू कर देंगे। लोगों को हमारी पार्टी पे विश्वास और भरोसा है, हमारा वोट बैंक इस बार 100% 25 की जगह 30% पे जाएगा, जिसपे 30% वोट अकेले राजनीतिक दल पे होगा वो सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की होगी। इस काम के लिए हमारी तो कोई बातचीत हुई नहीं, लेकिन मीडिया अपनी तरफ से रोज नए कयास, रोज इस तरह की बात करता है कि कहीं आपका गठबंधन हो रहा है। अशोक अरोड़ा अगर चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं तो हो सकता है उनका अपना कोई पर्सनल काम हो, सकता है वो हरियाणा भवन में गए और मुख्यमंत्री वहां हूं। मैं मुख्यमंत्री के पास परसों आधा घंटा बैठ कर गया, आपने तब तो नहीं चलाई किसी ने कि कोई गठबंधन हो रहा है। बीजेपी दावा ये सिर्फ हमारे जो विरोधी हैं वो आप लोगों को आकर के इस तरह की बात करते हैं कि फलाना जा रहा है। जाजू कोई नहीं रहा, अब तो आने वालों का तंता लगने वाला है। सर बीजेपी वो अभियान चला हुआ है मिशन 10 लोकसभा की सीटें, तो वो कह रहे कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, किसी को भी नहीं पटकने देंगे। सारे के सारे आप भी मुझे लगता है रात को जब सोते हो तो कई सपने लेते होंगे।